हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे एक बार ज़रूर देख लेंगे। जो बच्चे नए हैं और पहली बार आज यहाँ पर आए हैं, उनको बता दूँ मैं, आनंद मनी 001 टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें बच्चे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे स्टडी मटेरियल, DPPs और सारे लिंक आप यहीं पर ही अवेल होंगे। ठीक है, साथ में आनंदमनी.com पर भी ये सारी चीज़ अवेल हो जाएंगी अगर आप यहाँ पर भी रजिस्टर कर लेते हैं तो। एक और इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी इंटरेक्टिव है बच्चे, वहाँ पर हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कोर्सेज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आप वहाँ पर अभी जो पहल बैच चल रहा है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं और आनंद कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो सब्सक्रिप्शन आनंद कोड यूज़ करके ले ले, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर, लीनियर स्केल दे रखा है एंड कॉल्ड डब्ल्यू स्केल। ओके, वेरी गुड। द फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज आर 39 W एंड 239 डिग्री W रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वट विल द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। मतलब डब्ल्यू को सेल्सियस के साथ उसको कंपेयर करवाना है। मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ बच्चे, इसको आप हमेशा याद रखेंगे जीवन में। स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसी भी दो स्केल के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो आपको कभी भी दो स्केल में कंपैरिजन कराना हो या रीडिंग निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे। हाईली 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 एप्लीकेबल फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? इसको याद रखेंगे आप लोग, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। तो अगर हमने ये फॉर्मूला डब्ल्यू स्केल के लिए यूज़ किया तो आप देखिए, डब्ल्यू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 239 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 239 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 39। अब सेल्सियस में स्केल रीडिंग है 39 को हम निकालना चाहते हैं, डब्ल्यू में कितना है, तो यहाँ पे स्केल रीडिंग 39 रख दी, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वाटर का -0। तो सॉल्व कर लीजिए बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे ये हो गया 239 - 39, दैट इज 200 और इधर 100 है, तो ये कट हो जाएगा बच्चे 2 टाइम्स। डब्ल्यू आ जाएगा 39 × 2 + 39, दैट इज 78 + 39, दैट इज 117 डिग्री। क्लियर है क्या? कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक, कोई भी परेशानी किसी को, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ सेंटीग्रेड एंड अ फेरनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन अ बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फेरनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140 डिग्री। ठीक है, बॉइलिंग वाटर मतलब आप समझो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए आपको रीडिंग्स याद होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट होगा 212 पर और ये है इनिशियली, इनिशियली तो हमसे कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट को हमने कर दिया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो बताइए सेल्सियस पर क्या रीडिंग हो गई या सेल्सियस कितना फॉल हुआ होगा ये निकालना है। ठीक है, वॉट इज द फॉल इन द टेम्परेचर इन सेल्सियस इसके, फटाफट से कर दीजिए बच्चे, ट्राई कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, जैसे कि मैंने आपको बताया स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग सेल्सियस -0 फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए फ़ारेनहाइट में कितनी रीडिंग है 140 माइनस बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट 32 बॉइलिंग पॉइंट 212 -30। तो यहाँ से आप सॉल्व करो बच्चे, ये आ जाएगा 180, चला जाएगा 20 से 25 जा और 180 हो जाएगा 9 जा, ये हो जाएगा कितना हो गया C/5 तरफ बचा और ये हो जाएगा 108/9, ये चला जाएगा 12 टाइम्स, तो सी आ जाएगा 12 × 5 दैट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री तक पहुँच गया होगा। फॉल कितना हुआ है? फॉल अगर पूछा जाएगा तो 40 डिग्री का आ जाएगा। फॉल इन द टेम्परेचर इज रजिस्टर्ड बाय इन द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इज 40 डिग्री सेल्सियस। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक, कोई भी परेशानी बच्चे?
आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब समझो आप जब भी दो रॉड दी जाएंगी आपको, एल वन डैश ये हो जाएगी एल वन इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, और दूसरी रॉड की लेंथ जो हो जाएगी दैट इज एल टू इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ये दो रॉड हैं, अगर इनका चेंज इन लेंथ निकालूँ मैं एल टू डैश माइनस एल वन डैश, देखो ये आ जाएगी एल टू माइनस एल वन प्लस एल टू अल्फा टू माइनस एल वन अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। अगर ये चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ बोलते हैं इसको, यही जो लेंथ का चेंज है अगर टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, दैट मीन्स इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है। डेल्टा टी के इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो डेल्टा टी आप कितना भी करो इसका इफेक्ट नहीं आएगा डिफरेंस इन लेंथ पर। ये बात समझ में आती है, दैट मीन्स एल टू अल्फा टू माइनस सॉरी इक्वल्स टू एल वन अल्फा वन, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो कोई भी इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं हम लोग एल टू कितना होगा, बच्चे कितना दे रखा है इसमें, एल टू निकालना है हमें, लेट से एल टू एल्यूमिनियम है तो एल टू निकालना है, ये हो जाएगा एल वन अल्फा वन अपॉन अल्फा टू। कॉपर के डेटा क्या है 88 इंटू कॉपर का अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 to the power -5 अपॉन 2.2 इंटू 10 to the power -5 एल्यूमिनियम के लिए। यहाँ पे आप देखो इससे ही कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा मतलब पॉइंट चला जाएगा और ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो 68 सेंटीमीटर आ गया, 17 4 = 68, ये विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बस आप इसको याद रखिए कि L1 अल्फा वन इक्वल्स टू L2 अल्फा, देख लीजिए कहीं पर भी डाउट हो लॉजिकली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रास एंड द स्टील रॉड्स आर अल्फा वन एंड अल्फा टू, द लेंथ ऑफ द ब्रास एंड द स्टील आर एल वन एंड एल टू रेस्पेक्टिवली इफ एल टू माइनस एल वन इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स एल वन अल्फा वन शुड बी इक्वल्स टू एल टू अल्फा टू। द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, एल वन अल्फा वन इक्वल्स टू एल टू अल्फा टू, क्लियर है, तो बी विल बी द राइट आंसर। तो ये आप देखो किस कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चे। 2019 में भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन था और 2016 1999 इन सब में ये सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट है आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, ओके इसको करेंगे, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द ग्लिसरीन इज दिस, द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन फॉर द राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन इट्स टेम्परेचर इज, चलिए बच्चे तो आपको सॉरी डेंसिटी का चेंज का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी जो हो जाती है दैट इज रो नॉट, डेंसिटी कम हो जाती है गामा एल, लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, गामा एल डेल्टा टी। ठीक है, अब उसने हमसे पूछ लिया है फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो आपको आइडिया है ये, तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास चेंज और डिवाइड बाय रो नॉट कर दिया, तो ये मॉड अगर इसका ले लें हम लोग तो गामा एल डेल्टा टी आ जाएगा, अगर मॉड की बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यही फ्रैक्शनल चेंज है, तो गामा एल डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है आपको, नथिंग है, ट्राई कर लीजिए बच्चे एक बार, ऐसा तो हो ही गया, आप क्या ट्राई करना है, 5 × 10 to the power -4 और टेम्परेचर का चेंज है 40 डिग्री सेल्सियस का, तो हो जाएगा 200 × 10 to the power -4 दैट मीन्स 0.02 हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, समझ में आया, पहले हमने चेंज लिया फिर हमने इनिशियल से डिवाइड करा के फ्रैक्शनल चेंज निकाल दिया। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग,
ओके ट्राई कर लिया बच्चे, देखते हैं। डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस एंड एट 40 डिग्री सेल्सियस इज दिस, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। तब बताइए कि वॉल्यूम के केस में अगर बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी रो नॉट एंड अपॉन 1 प्लस गामा L डेल्टा T। क्या निकालना है हमें? गामा एल निकालना है। तो आप देखो 1 प्लस गामा L डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी रो नॉट अपॉन रो। क्लियर है? इनिशियल थी हमारे पास 998 अपॉन 992। इसको सॉल्व कर लेंगे जस्ट, तो γL डेल्टा T, डेल्टा टी कितना होगा बच्चे? 20 से 40 गया तो 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 998 बाई 992 माइनस 1, दैट इज 20 γL इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 अपॉन 992। तो यहाँ से गामा एल कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये 3 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द टू सॉलिड कॉपर ऑफ द रेडियस डिसिंग। देखो हमारे पास जो हीट Δt टेम्परेचर को रेज करने के लिए चाहिए, दैट इज mS Δt। अगर हमने दोनों ही कॉपर के लिए रखे हैं, रेडियस अलग अलग किए तो मास अलग अलग हो जाएंगे, बाकी स्पेसिफिक ही जो Δt तो सेम है, 1 केल्विन दे रखा है Δt। अब ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप ये देखो कि अगर रेशियो पूछा गया है ना, उन्होंने क्या पूछा है? हाँ रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ अगर रेशियो लेंगे हीट का तो सिर्फ वो V1 बाई V2 पे आ जाएगा केस, दैट इज 4 अपॉन 3 पाई R1 क्यूब 4 अपॉन 3 पाई R2, R1 बाई R2 का क्यूब बचेगा सिर्फ, दैट्स ऑल। और R1 कितना है? R1 है 3 बाई 2 R2, 1.5 R2। तो 3 बाई 2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 27 बाई 8। समझ में आया? तो देखो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगा अगर हीट का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे। थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला MS के बराबर होगा, फटाफट से निकाल दीजिए क्या आंसर है। आप पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं अगर कभी आपको टाइम नहीं मिलता तो। 40 × 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर ग्राम पर कैल। यहाँ पे देखोगे 40 ग्राम है तो ये आ जाएगा 8 कैलोरी पर केल्विन। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन जूल में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4.2 से, और आंसर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 4.2 जूल पर केल्विन, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 33.6 आ जाएगा ये। दैट मीन्स डी विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है ये देखिए, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी जो है दैट इज सी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सी इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सी ज़्यादा है, ठीक है। ऑन वन वन ऑफ दीज इज एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाइल द अदर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, द टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अदर, देन द हीट नो हीट लॉस, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल कॉमन टेम्परेचर, ठीक है। आप ही समझो एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस,
एक के लिए C1 होगा, एक के लिए C2 होगा, और C1 ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा पर उसने बता रखा है कि हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर अ गिवन मास। तो ये हीट ज्यादा चाहिए उसको, ये हीट उसको ज्यादा चाहिए। तो अगर वो लूज करेगा, अगर ये इसने 1 डिग्री बढ़ाया, 1 डिग्री कम किया टेम्परेचर से, 100 से मान लो 99 गया, तो ये 1 डिग्री से ज्यादा राइज होगा। क्यों? क्योंकि जितनी इसने हीट 1 डिग्री के लिए रिलीज की होगी, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये 1 डिग्री से ज्यादा रेज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए C2 कम है, C2 मतलब कम है, इसको कम हीट चाहिए 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, और उसने ज्यादा रिलीज करी है तो ये ज्यादा करेगा। तो ये इक्वल पे जब आने की कोशिश करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस पर कहीं ना कहीं इनको जाके इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की चेक की जा सकती है इस तरह के क्वेश्चन के साथ। कोई भी दर्द गिला शिकवा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। The piece of the ice falls from the height so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. ठीक है, and all the energy of ice gets converted into heat during its fall. ठीक है, अगर h height से गिर रहा है तो mgh energy complete होगी, इसका 1/4 absorb कर रहा है वो, that means ml में गया होगा ये, पूरी की पूरी ice अगर पिघली है तो। The value of the h is, तो यहाँ से देखो m ने m को जान से मार दिया, h की वैल्यू आ जाएगी 4L/g, 4L/g। अब l की वैल्यू है क्या आपके पास? l की वैल्यू है सर हमारे पास, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3.4 × 10^5/10। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ये आ जाएगा 136। क्लियर है क्या? कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक, किसी को भी समझ लें, कहीं डाउट हो तो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू द 20 ग्राम ऑफ द वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी। तो आप देख सकते हैं द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, हमें लेटेंट हीट दे रखी है 540, ठीक है सब दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास 20 ग्राम का वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, तो ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? स्टीम से मिली होगी। लेट से m ग्राम स्टीम होगी बच्चे, जो कन्वर्ट हुई होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे कन्वर्ट हुई होगी बच्चे ये, ठीक है, m ग्राम में ही रहेगा ये। तो आप इस m ग्राम को ये 80 डिग्री का वाटर में भी कन्वर्ट करेंगे, तो ये m ग्राम जो स्टीम थी 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो पहले वाटर में जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, और फिर 80 डिग्री पर आ जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी जो इसने लॉस की होगी, वो ये 20 ग्राम वाटर लेके खुद भी 80 पर पहुंचा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, 20 ग्राम को 10 से 80 पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सबसे पहले हम ms डेल्टा t से रिक्वायर्ड एनर्जी देख सकते हैं बच्चे। रिक्वायर्ड एनर्जी हमारे पास 20 ग्राम × 1 स्पेसिफिक हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा टी कितना कर रहे हैं हम? 10 से 80, दैट मीन 70 कर दिया, ये हो गया 1400 कैलोरी, 1400 कैलोरी कर दिया। अब यहाँ से रिलीज कितनी होगी? इतनी ही हमें चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखो m × 540, पहले 540 पर ग्राम मिल रही थी हमें, जब 1 ग्राम स्टीम जाती है वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 540 कैलोरी मिल रही है, ठीक है सर। प्लस अब एम एस डेल्टा टी, 100 से 80 जाएगा, डेल्टा टी 20, ये पूरी की पूरी एनर्जी हो गई हमारे पास। तो टोटल हो गया m × 560, 560। अब m × 560 अगर 1400 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा m,
एम कितना आ गया बच्चे टोटल, अगर आप एम देखोगे एम विल कम आउट टू बी लगभग लगभग 2.5, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ जाएगा, सॉरी 2.5 ग्राम आ गया। तो 2.5 ग्राम ऑफ स्टीम गई होगी 80 ग्राम, सॉरी 2.5 ग्राम वाटर बन गया होगा 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो टोटल वाटर कितना हो गया होगा बच्चे, पहले 20 था फिर 2.5 और ऐड हो गया तो 22.5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज पी, ठीक है, इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा नॉट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट, तो आपको सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 3/4 लैम्डा नॉट इंटू T2। तो आप देखोगे टेम्परेचर में चेंज कितना है, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट गया, फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल के 4/3 टाइम्स हो गया है। तो पावर रेडिएशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4, तो पावर जो ट्रांसफर होगी वो टेम्परेचर के 4 पावर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर को अगर 4/3 करोगे तो न्यू पावर पी डैश जो होगी वो 4/3 की पावर 4 पी नॉट के बराबर हो जाएगी, इनिशियल पावर के बराबर हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाए तो उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 256/81 पी नॉट, इतना हो जाएगा रेशियो। क्लियर है, कोई भी दर्द गला शिकवा यहाँ तक, पक्की बात। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड इन द देयर कंडक्टिविटी, आप देखिए कंडक्टिविटी की बात चल रही है कंपोजिट रॉड्स की, लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी ए है, ठीक है। तो पहले जो हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे दैट इज दोनों पैरेलल हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे, दैट इज के वन ए बाई एल इंटू डेल्टा टी प्लस के टू इंटू ए डेल्टा टी बाई एल। अगर हम इनका मान लें के वन के टू ना होके के इक्विवेलेंट है सिर्फ, या के नॉट है, तो के नॉट ए इंटू डेल्टा एल डेल्टा टी बाई एल प्लस के नॉट ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, इस तरीके से ही ट्रांसफर हो रही होगी दोनों से। तो इस के नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बाई एल डेल्टा टी से ए बाई एल डेल्टा टी से ए बाई एल डेल्टा टी से ए बाई एल डेल्टा टी चला गया, तो के वन प्लस के टू इज इक्वल टू 2 के नॉट। तो के नॉट यहाँ पर आ गया हमारे पास के वन प्लस के टू बाई टू, एक कंपोजिट रॉड का के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम निकालें तो दिस विल बी द इक्वल्स टू डी, डी विल बी द राइट आंसर। नीट 2017 में क्वेश्चन आया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते। आगे बढ़े क्या बच्चे? नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चे, ये भी नीट 2017 में आया था। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ द रेडियस ऑफ दिस रेडिएट्स इतना पावर 500 केल्विन, इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल्ड द पावर रेडिएटेड इन द व्हाट वुड बी। तो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, रेडियस दे रखी है, तो आप समझो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, ठीक है। अब ए में हम लिख सकते हैं एरिया क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया, तो 4π r² इंटू टी की पावर 4, तो जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r² t की पावर 4, ठीक है। अब उसने बोला है रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड, तो आप देखो पी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रेडियस डबल की है दैट मीन्स सिग्मा इंटू 4π 2r² और टेम्परेचर आधा किया तो t/2 की पावर 4 ऐसे आ जाएगा बच्चे। तो सिग्मा 4π r² t की पावर 4, तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ जो अंतर आया हुआ है t/2 का और 1/t/4 का, तो ये आ जाएगा सिर्फ ऊपर 4 बचा और नीचे नीचे कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी पावर। अब उसने क्या बोला है, अच्छा एग्जैक्ट पावर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, 450 वाट पावर वो 500 केल्विन पर निकाल रहा था, द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड। ओके हमने
ओके, हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। रेडियस को हाफ करना था, टेम्परेचर को डबल करना था, सॉरी, रेडियस को हाफ करना था आर बाई टू और टेम्परेचर को डबल करना था, सॉरी। तो यहाँ पर देखोगे सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर टी की पावर फोर मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा टू की पावर फोर अपॉन टू की पावर टू, दैट इज अगर मैं इसको पी बोल दूँ, ये तो पूरा का पूरा पी के बराबर है, तो ये पी इंटू फोर हो जाएगा, फोर पी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 1800 आ जाएगा, पी की वैल्यू हमें दे रखी है 450, तो ये 1800 वॉट आ जाएगा, दैट मीन्स पी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे ये, अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी ऑफ द वेवलेंथ एट अ वेवलेंथ दिस इज यू वन एट 500 नैनोमीटर इज यू टू एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज यू थ्री, द वीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आप एक बात समझिए, आपको पता है कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, प्रिपोज ने क्या बोला था कि हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ रेडिएशन मिलेगा, अब यहाँ पर उन्होंने एनर्जी दे रखी है, अब आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही बात पता है कि किस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, वो आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट से पता पड़ जाएगा कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, वीन्स कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा एम आ जाएगा बी बाई टी से, बी की वैल्यू है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6 और टेम्परेचर दे रखा है 5760। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये लगभग लगभग आ जाता है बच्चे 500 नैनोमीटर। अगर 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है, दैट मीन्स U2 will be greater than U1 and U2 will be greater than U3. That means option number B is correct. That means option number B is correct. आगे बढ़ते हैं बच्चे, A piece of the iron is heated in the flame. It first becomes dull red and then become reddish yellow and finally turns white. ठीक है, The correct expression for the, अब यहाँ पर आप देखो कि एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो वेवग्योर के साथ कलर चेंज होता चला जाएगा, ये एक बार आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो फिर सारे कलर्स की जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फाइनली वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए वाइट हॉट हो जाता है वो। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट से हमें पता पड़ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, वो हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो जाएगा, नीट 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, टू मेटल रॉड 1 and 2 ऑफ द सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, ठीक है, सेम लेंथ है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, T1 T2 पे लगा रखा है इनको, ठीक है, देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 एंड K2, ये K1 और K2 है, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2, ठीक है, A1 A2 कर देते हैं। If the rate of heat conduction in one is 4 times of that of two, मतलब I1 जो है that is 4 times of two, ये बोल रखा है ना, rate of the conduction in one is 4 times of the two, तो यहाँ पे हम formula लगा देंगे K1 A1 by L, L same है, delta T same है, ये हमारे पास 4 times K2 A2 upon L delta T, तो L delta T से L delta T मर जाएगा, ये आ जाएगा K1 A1 is equals to 4 times K2 A2, that means A option will be correct. देख लीजिए समझ में आ रहा है क्या बात, कोई भी दर्द गला शिकवा यहाँ तक, ये भी नीट 2013 में आया था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, इफ द रेडियस ऑफ द स्टार इज आर एंड एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ द एनर्जी इज प्रोडक्शन इज क्यू, तो आप समझ लेंगे क्यू रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पावर दे रखा है क्यू, अब क्यू हो जाएगा सिग्मा, ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, तो ए कितना हो जाएगा 4πr² सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, तो टेम्परेचर देखो कितना आ जाएगा, टी की पावर 4 आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा इंटू 4πr² की पावर 1/4, दैट इज मेरे को ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है, क्लियर है क्या, सिग्मा हमारे पास स्टीफंस कॉन्स्टेंट हो गया जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, हाँ ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, ये 2012 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिलेंड्रिकल मटेरियल रॉड इन अ थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ टू रिजर्वायर
टू एंड कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ द हीट क्यू इन टाइम टी, क्यू इन टाइम टी दैट मीन्स हीट जा रही है, कुछ पावर होगी, हीट करंट होगा, क्यू कितना हो जाएगा, आई इन टू टी के बराबर, टी टाइम में इतनी हीट ट्रांसफर हुई है, ठीक है। द मेटेलिक रॉड इज मेल्टेड एंड द मेटेरियल इज फॉर्म्ड इन टू ए रॉड ऑफ हाफ रेडियस। पहले रेडियस आर ले लेते हैं इसकी, रेडियस थी पहले आर, लेंथ थी एल, अब उसकी रेडियस हाफ कर दिए तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी बच्चे, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर था पहले, पाई आर स्क्वायर एल, अब हो जाएगा इसको कैपिटल आर और कैपिटल एल ले लें, छोड़ो आर टू ले लेते हैं, ये आर वन, आर वन एल वन था, अब हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर एल टू, ये वॉल्यूम बराबर रहेगी, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए बराबर कर दिया हमने। अब उसने बोला है द मेटलिक रॉड इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इन टू द हाफ ऑफ द रेडियस, दैट मीन्स पाई आर वन स्क्वायर एल वन, आर टू हो जाएगा आर वन बाई टू, और आर वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो आर वन बाई फोर एल टू, तो एल टू कितना आ जाएगा, फोर एल वन के बराबर। आप देखो लेंथ फोर टाइम्स हुई है और रेडियस जो है वो हाफ हुई है। तो अब बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द हीट कंडक्शन बाय द न्यू रॉड। अच्छा न्यू रॉड के लिए अब मेरे को करंट निकालना होगा, करंट अगर निकालेंगे बच्चे तो देखिए आई टू कितना हो जाएगा, के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी, के सेम रहेगा, मेटेरियल सेम है, ये हो जाएगा फोर पाई आर टू स्क्वायर अपॉन एल टू इंटू डेल्टा टी। अब आर टू और एल टू की वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है, फोर पाई आर टू की वैल्यू हो जाएगी आर वन बाई टू का स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन एल टू हो जाएगा फोर एल वन। तो पहले जो करस्पॉन्डिंग हीट थी अगर वो आई मैंने मान रखी है, अगर पहले हीट आई मान रखी है तो आई हमारे पास हो जाती जो इनिशियली आई होगा दैट इज के फोर पाई आर वन स्क्वायर अपॉन एल वन इंटू डेल्टा टी, दैट मीन्स ये हमारे पास आई था। अब अगर आपने रेडियस आधी कर दी है तो ये आर वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा करंट, करंट वन बाई फोर टाइम्स हो गया, और लेंथ भी फोर टाइम्स कर दिए तो लेंथ की वजह से भी वन बाई फोर टाइम्स हो गया, तो टोटल वन बाई सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगा करंट, दैट मीन्स जो पावर पहुंचेगी वन बाई सिक्सटीन टाइम पहुंचेगी, तो जो एनर्जी पहुंचेगी टी टाइम में वो भी वन बाई सिक्सटीन टाइम पहुंचेगी, दैट मीन्स क्यू बाई सिक्सटीन विल बी द राइट आंसर। यहां पर हम लिख सकते हैं के फोर पाई आर वन स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन सिक्सटीन, तो सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगी हमारे पास, वन बाई सिक्सटीन टाइम्स हो जाएगी जो पावर होगी। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार ऑफ रेडियस आर हुज आउटर सरफेस रेडिएट्स एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। तो अब यहां पे इन्होंने क्या कहा है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है स्पेक्ट्रल पावर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार ऑफ रेडियस आर। अब जो स्टार है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसकी डिस्टेंस कैपिटल आर पे बात कर रहे हैं हम, हुज आउटर सरफेस रेडिएट्स एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी। अब जो हमारे पास पावर होगी, पावर होगी सिग्मा ए इंटू टी की पावर फोर। अब यहाँ से अगर हम स्मॉल आर स्टार ले रहे हैं ये स्मॉल आर का स्टार है और इससे अगर हम आर दूरी पर पावर को देखना चाहते हैं कि पर यूनिट एरिया कितना आ रहा होगा, तो आप ये समझिए कि जो हमारे पास ये पूरा एरिया होगा जो आर दूरी पर है, पूरा स्फेयर जो है इस पर पूरी पावर जो पहुंच रही होगी वो होगी, ये पूरी पावर कौन सी होगी जो उसने रेडिएट की है, दैट मींस स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग हम पावर को लिख सकते हैं सिग्मा फोर पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर फोर। अब ये पूरी की पूरी पावर आउटर सरफेस आउटर स्फेयर पर पहुँच रही है, इसके पर यूनिट एरिया हमसे पूछा गया है, इंटेंसिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर देखो जो पर यूनिट एरिया पावर आएगी दैट इज पावर फोर पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
हो जाएगी सिग्मा 4 पाई r² इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 पाई r² 4 पाई ने 4 पाई को जान से मार दिया, आ जाएगा सिग्मा r² टी की पावर 4 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ अपॉन r², दैट मीन्स ए ऑप्शन। चेक कर लीजिए बच्चे, समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द सन हैज अ स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ रेडियस आर रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस में देखिए तो पावर हमारे पास जो होती है सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, यहाँ पे टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दैट इज इन केल्विन, ठीक है, तो जो पावर रेडिएट करेगा वो आर रेडियस का, वो करेगा सिग्मा इंटू 4 पाई r² टी प्लस 273 की पावर 4, ये पावर रेडिएट करेगा लाइक अ ब्लैक बॉडी, द पावर रिसीव्ड पर यूनिट बाय अ यूनिट सरफेस एट अ डिस्टेंस आर, तो डिवाइड बाय 4 पाई r² कर देंगे, तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी दैट इज इंटेंसिटी आ जाएगी पावर पर यूनिट एरिया, ये एरिया ए डैश है, तो 4, देखिए पावर की वैल्यू पुट करिए सिग्मा 4 पाई r² टी प्लस 273 की पावर 4 अपॉन 4 पाई R² दैट मीन्स यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो आ गया सिग्मा r² टी प्लस 273 की पावर 4 अपॉन R² दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, समझ में आ गया बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ब्लैक बॉडी एट 227 डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स हीट, जहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो ना वहाँ पे आप तुरंत कन्वर्जन कर लीजिए बच्चे केल्विन में, 273, अब 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 500 आ जाएगा, है ना, 500 केल्विन पर हमें रेडिएशन दे रखा है 7 कैलोरीज पर cm² पर सेकेंड, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ अगेन सेल्सियस में दे रखा है 727, तो 727 प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास 1000 केल्विन आ जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस टेम्परेचर को डबल करेंगे, अगर टेम्परेचर को डबल करेंगे तो पावर की अगर बात की है इन्होंने, क्या किया था, रेट ऑफ द हीट रेडिएटेड इन द सेम यूनिट सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, टेम्परेचर को डबल किया है तो पावर 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगी, तो पावर अभी कितनी थी 7, तो पावर डैश हो जाएगी 16 टाइम्स क्योंकि टेम्परेचर आपने डबल कर दिया है, 500 केल्विन से 1000 केल्विन कर दिया। आप जो डबल आप रेशियो देखना चाहते हैं ना टेम्परेचर का, वो डिग्री सेल्सियस में मत देखिएगा, सबसे पहले आप केल्विन में कंपेयर कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, फिर कंपेयर करेंगे आप लोग, तो डबल हुआ है तो 2 की पावर 4 टाइम्स पावर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के 4 टाइम्स के साथ प्रोपोर्शनल है, ओके 16 टाइम्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 112 आ जाएगा, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, द टू एंड्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ एल एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए आर केप्ट एट द टू टेम्परेचर T1 एंड T2, द रेट ऑफ द ट्रांसफर dQ/dt टू द रॉड इन अ स्टेडी स्टेट इज गिवन बाय, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, टू एंड्स ऑफ द लॉ रॉड है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर है, तो जो करंट जाएगा दैट इज के ए बाई एल इंटू T1 माइनस T2, ये करंट ट्रांसफर हो रहा होगा और यही पूछा गया इन्होंने हीट करंट की वैल्यू, तो के ए बाई एल इंटू Δt डायरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा, आप डायमेंशन से भी देख सकते हैं, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट, द ब्लैक बॉडी इज एट दिस द एमिट एनर्जी एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, आप देखो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लो, तो 2727 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन आ जाएगा, तो जो पावर होगी वो टेम्परेचर के 4 के साथ प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स 1000 के 4 के साथ प्रोपोर्शनल होगी पावर 4 के साथ, तो ए विल बी द राइट आंसर, कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक बॉडी एट
1227 प्लस कर दो 273, तो कितना आ जाएगा बच्चे, हो जाएगा 1500। 1500 केल्विन एमिट्स द रेडिएशन विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व एट। आपको पता है लैम्डा एम इक्वल टू टी, लैम्डा एम वन टी वन इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू। मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं हम सीधा सीधा। अब उसने बोला है हमसे इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 1000, मतलब पहले 1500 था, 1000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो पहले आप लोग, 1000 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करा है, तो केल्विन में कितना इंक्रीज हुआ वो ये निकाल सकते हैं आप लोग। सबसे पहले देखो 1227 था तो टोटल हो गया 2227, और 2227 में करेंगे तो 2500 हो गया हमारे पास, समझ रहे हो। अब ये जो इंक्रीज है ना, इंक्रीज उतना ही रहेगा, जो डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हुआ होगा उतना ही केल्विन में भी इंक्रीज होगा। तो आप अगर केल्विन में चेंज सेम मानेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 2500। तो यहाँ से टी टू निकाल सकते हैं लेमडा एम, तो टी टू नहीं निकालना, लेमडा एम टू निकालना, किस वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा। तो लेमडा एम वन टी वन अपॉन टी टू, तो लेमडा एम वन कितना है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम, कितने पे आए थे 1500 केल्विन पर, अब 2500 केल्विन पर कितना आएगा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो 5 से काट देते हैं, 5 से चला जाएगा ये 1000 टाइम्स, और 5 से चला जाएगा 500 टाइम्स, अच्छा ये तो डायरेक्टली चला जाता है 2 टाइम्स, और ये 3000 आ गया, 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम विल बी द राइट आंसर ए। क्लियर है, कोई भी दलदला शिकवा यहाँ तक, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, आगे बढ़े बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड गिवन, हमारे पास है आर और एल, ईच मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल हुज एंड्स आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर, कंडक्ट मोस्ट हीट, करेंट के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। अब उन्होंने बोला है कि डेल्टा टी सबके लिए सेम है, के सेम है, ए बाई एल का रेशियो देखना होगा हमें, दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल। तो जो आर स्क्वायर बाई एल जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए हीट करंट सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले के लिए आर स्क्वायर बाई एल आ जाएगा, आर नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हमारे पास देखो ये आ जाएगा 4 R0² अपॉन एल नॉट, सबसे ज़्यादा बी में आएगा बच्चे, तो बी विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी, सबसे ज़्यादा ये जो रेशियो आएगा वो बी में आएगा। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर लैम्डा एम डिनोट द वेवलेंथ एट विच द रेडिएटिव एमिसिव ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर टी इज मैक्सिमम। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बच्चे, लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज दिस इज प्रोपोर्शनलिटी, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग, कंसिडर द टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग द इक्वल थिकनेस, थिकनेस इक्वल है, थर्मल कंडक्टिविटी के वन के टू है, सीरीज में अगर हम लगा देंगे इसको तो द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपको पता है सीरीज में आर वन प्लस आर टू हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो देखिए अगर हम R को बोलें तो हमारे पास R हो जाएगा L अपॉन के ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा L अपॉन के ए, तो आप यहाँ पर समझो L अपॉन के वन ए प्लस L अपॉन के टू ए, ये हो जाएगा 2L अपॉन 2L अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए, यहाँ से निकाल लीजिए बच्चे आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा बच्चे, कर लेंगे आप लोग। के वन की वैल्यू हमें के दे रखी है, के टू की वैल्यू हमें टू के दे रखी है, सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
द यूनिट ऑफ स्टीफंस कांस्टेंट, स्टीफंस कांस्टेंट क्या होता है बच्चे हमारे पास, पावर देखो सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, तो सिग्मा की हमें ये यूनिट पूछ रहा है, दैट मीन्स पावर अपॉन एरिया इंटू टी की पावर 4, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े, कंसिडर द टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कंडक्टिविटीज के वन के टू एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन ए टू बोथ हैविंग द सेम टेम्परेचर टी वन एंड टी टू एट देयर एंड्स, एंड्स पर टी वन एंड टी टू मेंटेन किया हुआ है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट ड्यू टू द कंडक्शन इज इक्वल टू, कंडक्शन की वजह से हमारे पास के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। सेम लेंथ दे रखी है, लेंथ दोनों के लिए सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन ए टू है और कंडक्टिविटी के वन के टू है। अब उन्होंने बोला है कि करंट इक्वल है, तो करंट इक्वल कब होगा, डेल्टा टी इक्वल है, करंट इक्वल तब होगा जब के वन ए वन के टू ए टू के बराबर होगा, तभी हीट करंट इक्वल होगा। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन वाले की इन्होंने बात करी है, तो के वन ए वन अगर के टू ए टू के बराबर हो जाए, एल तो सेम है पहले से ही, डेल्टा टी और सेम है पहले से ही, तो बस के वन ए वन के टू ए टू के बराबर हो जाएगा, तो कंडक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। फॉर अ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड करेंगे तो 1000 केल्विन हो जाएगा, इज रेडिएटिंग अ पावर 60 वॉट। ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज दिस, सराउंडिंग की दे रखी है, तो पावर जो नेट पावर रेडिएशन हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी सिग्मा ई, ई क्या है ब्लैक बॉडी है, सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी का स्क्वायर माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग की पावर 4, ये हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो P1 ये हो गया, इधर टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज चेंज टू 1227, इसको ऐड करेंगे 273 ऐड करेंगे तो 1500 केल्विन हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। तो 500 केल्विन उन्होंने लिया सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो अब रेडिएटिंग पावर पूछ रहे हैं P2 कितनी हो जाएगी, देखो सिग्मा वही रहेगा, A वही रहेगा, टेम्परेचर T2 हो चुका है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रहेगा, तो दोनों का अगर रेशियो ले लें तो P1 बाई P2 हमारे पास हो जाएगा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। अब देखो ये हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट P1 कितना दे रखा है 60, P2 निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा था 1000, 1000 की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 500 की पावर 4 अपॉन T2 कितना हो गया है 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चे, जो भी आंसर आ जाए आपका ठीक है, ठीक यहाँ से जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएंगे, दो दो जीरो हम काट देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 320 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है देख लें 320 आ जाता है, ठीक है ऑप्शन बी चेक कर लेंगे यहाँ से आंसर निकाल के। द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है, लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट बताता है। ठीक है ये बताता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है बताता है कि करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ क्या होगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये बताता है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है, दैट मीन्स ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अ सिलैंड्रिकल रॉड हैविंग अ टेम्परेचर T1 एंड T2 एट द एंड, द रेट ऑफ फ्लो इज Q1 इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन आर डबल्ड कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, द रेट ऑफ द फ्लो Q2 को क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये समझते हैं रेट ऑफ फ्लो हमारे पास क्या होता है के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। तो अब उन्होंने कहा है कि डायमेंशन चेंज कर दिए, के सेम है डेल्टा टी सेम है, तो आई इज प्रपोर्शनल टू ए बाई एल इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है तो आई इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल। ठीक है रेट ऑफ फ्लो पहले Q1 दे रखा था उन्होंने, इनिशियली कितना दे रखा था Q1, तो यहाँ पर रेडियस भी डबल कर देंगे तो ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ भी डबल कर देंगे तो 2L हो जाएगी, ये आई डैश हो जाएगा, तो आई डैश इज प्रपोर्शनल टू दिस, तो आप यहाँ पर देखो जो प्रपोर्शनलिटी है वो आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 2 तो ट्वाइस हो जाएगा, तो आई डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा, तो जो फाइनल करंट होगा डायमेंशन सारी डबल करने के बाद डबल हो जाएगा, दैट मीन्स Q2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1, तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े,
द ब्लैक बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट 2000 केल्विन, इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट दिस इज, तो आप देखो लैम्डा एम इंटू 2000 बराबर होगा किसके, लैम्डा एम डैश 3000 केल्विन के, 1000 1000 चला गया, तो लैम्डा एम डैश जो आ जाएगा दैट इज 2 λm/3। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है बट हमने वीज स्टूडेंट लगा दिया। द ब्लैक बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, द ब्लैक बॉडी हैज अ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड इज लैम्डा एम। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द हीट फ्लो थ्रू अ टू स्लेंडर रॉड ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है सेम मटेरियल के हैं, द डायमीटर ऑफ द रॉड आर इन द रेशियो ऑफ दिस, डायमीटर का रेशियो है डी वन बाई डी टू का रेशियो में दे रखा है 1:2, एंड द लेंथ का रेशियो एल वन बाई एल टू में दे रखा है 2:1। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड द सेम द रेशियो ऑफ द हीट फ्लो, अब हीट का फॉर्मूला आपको पता है, हीट का फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी बाई एल, ए को क्या लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई फोर, दैट मीन्स जो करंट है प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाई एल हो गया है, तो आई वन बाई आई टू कर देते हैं, आई वन बाई आई टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वन स्क्वायर बाई एल वन, और यहाँ पे जाएगा डी टू स्क्वायर बाई एल टू। तो रेशियो देखो डी वन बाई डी टू का रेशियो है 1:2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2:1, ये 1/8 हो गया, मतलब डायमीटर को आधा कर दिया है उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/4 हो गया, और लेंथ को डबल कर दिया है, तो लेंथ हमें दे रखी थी एल बाई एल टू तो ट्वाइस थी, आधी कर दिया लेंथ, चलिए तो 1/8 आ गया, दैट मीन्स 8 डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड, द रेट ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इंक्रीज बाय टी की पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स डबल करोगे तो 2 की पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल 16 टाइम्स हो जाएगी बच्चे। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम द टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट, ठीक है द रूम टेम्परेचर इज टी, ठीक है एज्यूम दैट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स विल बी, तो एनएलसी लगा देंगे हम, एनएलसी हमारे पास क्या बोलता है डेल्टा टी बाई टाइम, डेल्टा थीटा लिख लो इसे कोई दिक्कत नहीं होता, टी ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में टी ले रखा है, डेल्टा टी बाई टाइम इक्वल्स टू माइनस के टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, ट्राई कीजिए बच्चे। सॉरी तो यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हुआ है बच्चे हमारे पास 3T - T, मैं दो इक्वेशन बना देता हूँ, 3T - 2T अपॉन टाइम कितना लगा 10 मिनट इक्वल्स टू माइनस के टी एवरेज कितना हो जाएगा 3T + 2T/2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ऐसी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन में बोला है 10 मिनट बाद क्या होगा नेक्स्ट 10 मिनट बाद, तो अभी टेम्परेचर कितना है 2T, 2T से टी डैश हो जाएगा लेट से, तो 2T - T- अपॉन टाइम सेम 10 मिनट माइनस के एवरेज कितना होगा 2T + T- / 2 का माइनस टी, दूसरी इक्वेशन डिवाइड करा दीजिए सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा बच्चे, डिवाइड करा लेंगे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2T, आंसर आ जाएगा बच्चे 3/2T, बी ऑप्शन चेक कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन है दोनों को डिवाइड कर लोगे के से के मर जाएगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, जैसे डिवाइड कराओगे के से के मर जाएगा, इस 10 से ये 10 मर जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे टी, यहाँ पे 2T - T-, यहाँ पे आप देखो इसका एवरेज हो जाएगा 2.5T, 2.5T - T दैट इज 1.5T, यहाँ 1.5T बचेगा और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है आगे बढ़े बच्चे, यहाँ पर देखो ये इससे ही मर जाएगा, यहाँ पे सिर्फ T-2 बचेगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/2T। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द वाटर कूल्स फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 मिनट, ठीक है एंड दिस इन द नेक्स्ट 5 मिनट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर सराउंडिंग को टी एस मान लेते हैं, ठीक है तो 70 - 60, मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा टी बाई टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, ठीक है तो ये हो गया डेल्टा टी अपॉन टाइम कितना लगा 5 मिनट इज इक्वल टू माइनस के टी एवरेज कितना हो जाएगा 70 + 60 / 2 - TS, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन,
बट दो वेरिएबल हो गए के हमें नहीं पता, अगर के पता होता तो यहीं से कर लेते। एक और इक्वेशन बनाते हैं, अब 54 चला गया, वो कहाँ से 60 से, तो 60 माइनस 54 अपॉन नेक्स्ट 5 मिनट में ही गया तो 5 माइनस के, तो 60 प्लस 54 बाई 2 एवरेज माइनस सराउंडिंग टी एस, इन दोनों को डिवाइड करा लो बच्चे आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कराओगे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इक्वल्स टू कैसे के मर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा 6 45 आ जाएगा बच्चा। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट द बीकर फुल ऑफ अ हॉट वाटर इज कैप्ट इन अ रूम इफ इट इज कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन टाइम T1 देन 75 टू 70 इन टाइम T2 एंड 70 टू 65 मतलब 5-5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी हमारे पास जो हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है। ठीक है तो वो कंपेयर करवा रहे हैं कि टाइम जो कंपेयर हुआ है सब में वो क्या रिलेशन रखेगा, वो क्या रिलेशन रखेगा जो टाइम उनके बीच में होगा। तो देखते हैं इसको एक बार बच्चे, आपको एक बात पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस हो रही होगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर लॉस हो रहा होगा। तो इनिशियली जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा होगा क्योंकि हीट का लॉस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा होगा। ठीक है तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर दिस इज प्रोपोर्शनल टू द टी माइनस टी एस, सराउंडिंग के साथ जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा के प्रोपोर्शनल रहेगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनिशियली आप देखो टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो टी वन कम होगा, तो टी वन इज लेस देन टी टू इज लेस देन टी थ्री विल बी अवर रिलेशन, ए विल बी द राइट आंसर। जितना ज़्यादा सराउंडिंग के पास जाते चले जाओ, ये जो ग्राफ होगा बच्चे इस तरीके से आता है, आप समझिए बॉडी का अगर टेम्परेचर लें, बॉडी का टेम्परेचर है थीटा और सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा एस, तो बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से कम होना शुरू होता है और आप जैसे जैसे सराउंडिंग के क्लोज जाते चले जाएंगे तो टाइम के साथ आप देखेंगे इस तरह का रिलेशन आएगा। ठीक है एक्सपोनेंशियल आता है। आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन इमिट्स द रेडिएशन विच इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लैक बॉडी 500 केल्विन टेम्परेचर इसका तो इमिट करेगी तो पावर आ जाएगी बच्चे टेम्परेचर के 4 के प्रोपोर्शनल, तो 500 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल इसका पावर एमिशन आ जाएगी। कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, तो लाइक करें सेशन को, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिसने भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस टेलीग्राम का लिंक आपको अवेल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट PYQs में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।